एक समय की बात है, बॉम्बई शहर में करण अपनी पत्नी प्रीता के साथ रहता था। दोनों ही काफी अमीर थे क्योंकि करण एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। तब एक दिन प्रीता का बर्थडे आता है जिसके लिए करण एक सरप्राइज पार्टी प्लान करता है। उसके बाद रात हो जाती है और रात में पार्टी स्टार्ट होती है जिसमें करण प्रीता के सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। तब प्रीता उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां प्रीता की माँ सरला उसके लिए एक केक लेकर आती है जिसे प्रीता बहुत प्यार से काटती है, जिसके बाद प्रीता को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तभी करण भी प्रीता को एक स्पेशल गिफ्ट देता है और कहता है, प्रीता मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी खोल कर देखो। तब प्रीता उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक सोने की चप्पल होती है, जिसे देखकर प्रीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने सभी दोस्तों को भी वही दिखाती है। जिसके बाद प्रीता करण के दिए गए गिफ्ट और अपने फ्रेंडों से मिले सभी गिफ्ट्स को एक साथ साइड में करके रख देती है और अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी में डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने गिफ्ट्स को लेकर अपने रूम में रखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि उसमें करण के दिए गए सोने की चप्पल मिसिंग है, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और नीचे आकर करण से कहती है, करण क्या तुमने मेरी सोने वाली चप्पल। करण मना कर देता है, जिसके बाद प्रीता अपने सभी फ्रेंडों को वहां बुलाकर उनसे पूछने लगती है कि क्या आप लोगों में से किसी ने मेरी सोने को चप्पल को देखा है। तब सभी मना कर देते हैं, जिसके बाद प्रीता एक एक से पूछने लगती है कि आप लोग क्या कर रहे थे। तब माहिरा कहती है, मैं तो अपनी मम्मी से कॉल पर बात कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद सृष्टि कहती है, मैं तो पार्टी में डांस कर रही थी और ड्रिंक्स पी रही थी, इसीलिए मुझे भी कुछ नहीं पता। जिसके बाद राखी कहती है, मैं तो वॉशरूम गई थी, मुझे भी तुम्हारे सोने की चप्पल की चोरी होने के बारे में कुछ नहीं पता। तब प्रीता अपने तीनों दोस्तों का जवाब ध्यान से सुनती है और फिर कुछ नोटिस करने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी सोने की चप्पल किसने चुराई। तो दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि इनमें से सोने की चप्पल को किसने चुराया? अगर हाँ तो आप अपना आंसर हमें जरूर बताइए, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर देखते हैं तो आपको बता दे, चोरी किसी और ने नहीं बल्कि राखी ने की है, क्योंकि अगर आप उसके साड़ी को ध्यान से देखोगे तो उसने पहले अपने साड़ी पर एक सैंडल डाली हुई थी, लेकिन चोरी होने के बाद उसके पैरों में एक सोने की चप्पल नजर आ रही है, जिसे देखकर प्रीता को पता चल जाता है कि सोने की चप्पल को किसी और ने नहीं बल्कि राखी ने चुराया। तो दोस्तों, क्या आपका भी आंसर यही है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों का जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।